Hello guys and welcome to Dalprov Learning Zone. Thank you for liking our channel and to subscribing it. इस वीडियो में हम स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी नंबर का 5 सेकंड के अंदर अंदर किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस नंबर के लास्ट में 5 आना चाहिए। अगर उस नंबर के लास्ट में 5 आता है तो उसकी हमारे पास में एक शॉर्टकट है, ट्रिक है, जिसके थ्रू आप 5 सेकंड के अंदर अंदर उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप बात करें कि अलग नंबर जिनके लास्ट में 5 नहीं आता उनका स्क्वायर की ट्रिक क्या है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो सर्च कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह की ट्रिक दे रखी हैं एसएससी के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आप सर्च कर सकते हैं। तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिससे हम इस ट्रिक को समझ सकें। एक छोटा नंबर लेते हैं ताकि हम ईज़िली समझ सकें। जैसे मेरे को 45 का स्क्वायर निकालना है, तो नॉर्मली लोग 45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे या कोई अदर ट्रिक लगाएंगे, जैसे 5 5 = 25। देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको करने में। 5 5 = 20 and 22, 4 5 = 20, 4 4 = 16 17 18। सो आपने नोटिस किया कि मेरे को कितना टाइम लगा। अब देखते हैं कि इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कि इसकी ट्रिक से कितना टाइम लगता है। तो देखते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक ये है गाइस, 45 का मुझे स्क्वायर निकालना था। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में 5 होना चाहिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 25, और उससे पहले हमारे पास में था 4। 4 का नेक्स्ट वर्ड डिजिट कौन सा होगा, 5 होगा, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 20, जो कि हमारा आंसर है। ऐसे ही एक अदर एग्जांपल लेके चलते हैं। ऐसे 65 हमने ले लिया, 65 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो सेम एज 5 का स्क्वायर 25, 6 का नेक्स्ट 7, 6 7 = 42, ये हमारे पास आंसर हो गया। कोई बड़ी डिजिट, 95 का स्क्वायर निकालते हैं। सो 5 का स्क्वायर 25, 9 × 10, 9 का नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई के हो गया हमारे पास 90। सो आपने जस्ट नोटिस किया होगा कि हमें कितना टाइम लगा मेरे को निकालने में। सो इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। 75 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो मैं बिना कैलकुलेशन करे लिखना चाहूँ तो यहाँ से ईजिली मैंने आंसर लिख दिया। यहाँ पे 5 सेकंड से भी मेरे को कम टाइम लगा। तो जस्ट ये ट्रिक है कि जिसके लास्ट में 5 आता है उसका हमें स्क्वायर कैसे निकालना है। अगर इस ट्रिक को आप सही से समझ जाते हो तो आप आगे के जो उसके नंबर्स हैं, जैसे 1 2 5 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है, जो बड़ी डिजिट्स हैं, तो ये भी आप निकाल सकते हो ईजिली। तो आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिए, इनकी कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, सो ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगी। और भी ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्यूब निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, या वो नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए जिनके लास्ट में 5 नहीं आता, कि उनकी ट्रिक्स क्या हैं। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट अवर लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन इन योर मेल। वी विल बैक विद अवर लेटेस्ट वीडियोज ऑन दिस टॉपिक एंड अनदर ऑल्सो। थैंक्स।